कोरोना यह महामारी घोषित की गई है, कोरोना पेंडेमिक है, और फिर सब तरह से गवर्नमेंट के तरफ से, WHO की तरफ से काफ़ी सारी प्रिकॉशनरी मेजर्स और काफ़ी सारी सूचनाएं आ रही है, जैसा कि थूकना कहीं भी नहीं है, जब आप सिंकते हो तब टिश्यू पेपर या हैंकरचीफ हाथ में होना और उसके ऊपर मतलब छिटे जाएंगे और वो कंट्रोल में रहेंगे ऐसा देखना है, बाहर नहीं जाना चाहिए, या 20 सेकंड तक हाथ पूरे ऐसे धोना है, ऐसे करना है, अंदर से धोना है, ऐसा पूरा हाथ धो लो, 20 सेकंड तक धोने का है, जिसमें 60% अल्कोहल है, ऐसा सैनिटाइजर वापरने का है, या फिर कम से कम 3 फीट और अच्छा तो 6 फीट एक दूसरे से दूर रहना है, ऐसे काफ़ी सारी सूचनाएं आ रही है और उसका हम पालन कर रहे हैं। लोग अभी बाहर नहीं जा रहे, घर में रह रहे हैं। अभी 11 से 5 तक ही मतलब मार्केट्स या लोग काम करेंगे, और अभी संडे के दिन तो हमारे देश में जनता कर्फ्यू का ऐलान हमारे पंतप्रधान ने किया हुआ है। अभी ये सब चालू है, इसके पीछे अभी एज ए साइकियाट्रिस्ट, एज ए मनोविकार तज्ञ, मैं आपको बता रहा हूँ कि इमोशनल हाइजीन जो है वो कैसी अच्छी रखना, या इमोशनल मानसिक संतुलन या भावनिक संतुलन कैसा अच्छा रखना, और अभी यह जो नौबत आई हुई है, संकट आया हुआ है, अभी इसका फायदा कैसे कर लेना अपने लिए। मतलब जो भी चैलेंज हम लोग फेस कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं लाइक बून इन डिस्गाइज या ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, मतलब नुकसान हो रहा है, अभी उसका फायदा कैसे कर लेना अपने लिए। जैसा अभी अपने को बताया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखो, एक दूसरे से दूर रहो, कम से कम 3 फुट 6 फुट रखा तो बहुत ही अच्छा है, घर में रहो, घर के बाहर मत जाओ। अभी इसका फायदा हम अपने लिए कैसा करें, इसमें हम हमारी मानसिक स्थिति जो है, हमारा माइंड जो है, हमारी थॉट प्रोसेस जो है, उसका एक हाइजीन हम देख सकते हैं, उसको जरा एक स्ट्रांग बना सकते हैं, हमारे भावनाओं को, हमारे विचारों को, हमारे मेमोरीज को हम स्ट्रांग बना सकते हैं। ये मौका है ऐसा समझ के, मतलब बुराई में अच्छाई। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं। अभी हम समझो मैं एक डॉक्टर हूँ, अकेला भी बैठा हूँ घर में, अभी मेरा काम भी कर रहा हूँ और अभी सोशल डिस्टेंसिंग भी रख रहा हूँ, मुझे भी काफ़ी समय मिल रहा है। एज ए साइकियाट्रिस्ट अभी कम पेशेंट देख रहा हूँ, लोग वैसे कम आ रहे हैं, अभी मैंने क्या करना चाहिए, अभी मैंने ये देखना चाहिए कि मैं भी पढ़ाई ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ, क्या मेरे पढ़ने का बाकी था वो अच्छी पढ़ाई करके क्या मेरा एजुकेशन या मेरा नॉलेज बढ़ा सकता हूँ, कुछ अच्छे मोटिवेशनल वीडियोस में देख सकता हूँ, इंस्पिरेशनल वीडियो दे सकता हूँ, क्या मैं मेरा नॉलेज एक अलग लेवल पे लेके जा सकता हूँ। अभी मुझे ये समय है कि मैं अपने साथ में रह सकता हूँ, लाइक बीइंग विथ माई सेल्फ, हम बोलते हैं ना BWY डेज, बी विथ योर सेल्फ डेज, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं मेरे साथ में रह सकता हूँ, मैं सेल्फ हिप्नोटाइज करके, सेल्फ हिप्नोसिस करके अपने आप के अंदर झांक सकता हूँ, मेडिटेशन कर सकता हूँ। अच्छा मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं अच्छी पढ़ाई कर सकता हूँ, जो भी बैकलॉग मेरा बाकी है वो कर सकता हूँ, या फिर मैं आगे मुझे क्या पढ़ना है उसकी मैं तैयारी आज कर सकता हूँ। मैं टीचर हूँ तो अभी मैं स्कूल के लिए क्या कर सकता हूँ, बच्चों के लिए क्या कर सकता हूँ उसका प्लानिंग एंड प्रिपरेशन ये दिनों में मैं कर सकता हूँ। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे पता है कि अभी बिजनेसमैन हूँ, मेरा काफ़ी नुकसान अभी हो रहा है धंधे बैठे हुए, तभी मैं क्या अच्छा प्लानिंग कर सकता हूँ और प्लानिंग करके आगे आने वाले 3 साल में 5 साल में मैं किस तरह आगे बढ़ूँ और क्या करूँ कि जिसके वजह से मैं मेरे बिजनेस में आगे बढ़ूँ और पर्याय से मतलब मेरा देश भी आगे बढ़ेगा। अभी हम घर में बैठे बैठे हमारे लोगों के साथ में क्या होता है कि अभी ये जो हमारा माहौल है काफ़ी सारा फास्ट लाइफ है, हमको ये पता है कि अमेरिका में बैठे अपने दोस्त को बुखार आया तो हमको तुरंत मालूम पड़ता है व्हाट्सएप के ऊपर, हमारा घर में मेरी माँ है या मेरी दादी है उनको यदि बुखार आ गया तो मुझे मालूम नहीं पड़ता। क्या अभी मैं मेरे लोगों के साथ में बैठ सकता हूँ, बातचीत कर सकता हूँ, एक दूसरे को हम समझ सकते हैं, साथ में बैठ के खान पान अच्छा कर सकते हैं, या कोई अच्छी मूवी हम देखते हैं, एजुकेशनल मूवी है, अच्छी बहुत अच्छी एंटरटेनिंग मूवी है जो मेरी देखने की बाकी थी वो हम देख सकते हैं, क्या मैं अच्छा किताब पढ़ सकता हूँ जो मैंने बहुत दिन से सोचा था कि मैं पढ़ूंगा, मैं मेरा हेल्थ चेकअप कर सकता हूँ, अच्छी एक्सरसाइज कर सकता हूँ और मेरी इम्यूनिटी बढ़ा सकता हूँ। तो ऐसी काफ़ी सारी बातें हैं कि जो मैं मेरे लिए कर सकता हूँ और मेरे इर्द गिर्द के जो है मेरे फैमिली मेम्बर्स है उनके लिए भी मैं कर सकता हूँ। तभी मौका है कि मेरा ज्ञान बढ़ाने का, मुझे अपने आप को पहचानने का, लाइक हु एम आई, मैं हूँ कौन, मेरा आने का उद्देश्य क्या है, मैं दुनिया में क्यों आया हूँ और मैं क्या कर सकूँगा इसके बाद। अभी हमको पता है कि हम ये कोरोना का जब अभी इसका असर निकल जाएगा, पता नहीं अभी 15 दिन लगते हैं, 1 महीना लगता है, निकलने वाला तो है ही जरूर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मतलब वो तो कोई उसमें डाउट ही नहीं है, मगर अभी हम काफ़ी सारा हम पीछे जाएंगे। तो हम ये सोचेंगे अभी घर में बैठे बैठे कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा देश अभी जो पीछे गया है समझो
महीना, 1.5 महीना, 2 महीने से। अभी हम क्या करें कि हमारा देश आगे जाएगा, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, बिजनेसमैन के लिए क्या कर सकता हूँ, बच्चों के लिए क्या कर सकता हूँ, मतलब इस तरह का मैं सोचता हूँ तो काफ़ी सारा संभव है। अभी आज ये भी मैं कर सकता हूँ कि मैं लोगों के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके बातचीत करके, जिनके साथ में मैंने कभी बातचीत नहीं किया, कभी मेरे पुराने दोस्त होंगे, स्कूल के दोस्त होंगे, कॉलेज के दोस्त होंगे, उनके साथ में मैं अपनापन फिर से एक तैयार कर सकता हूँ, जुड़ सकता हूँ, मैं कॉलिंग कर सकता हूँ, लोगों को जान पहचान कर उनके साथ में बातचीत कर सकता हूँ जिनके साथ में मैंने बहुत दिन से बातचीत की नहीं है। तो ये मौका है अपने आप के साथ में रहने का, अपने आप को एक इमोशनल स्टेबिलिटी लाने का, एक भावनिक स्वच्छता जो है वो लाने की, इमोशनल हाइजीन लाने का, ये एक मेरे लिए मौका है। और ये मौके का मैं फ़ायदा मैंने जरूर उठाना चाहिए। और अभी तो हमको 15 दिन मिल रहे, तो 15 दिन में तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। अभी यह 15 दिन में हम खुद की केयर, हमारी फैमिली की केयर करते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं, तो काफ़ी सारा देश कार्य हम कर रहे हैं, ऐसा आप समझ लो। अभी हम आपस में जब बातचीत करते हैं तो भी हमने बहुत प्रिकॉशन लेना जरूरी है। क्या होता है कि प्रसार माध्यम जो है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फिर ये सोशल मीडिया जो है, वहाँ से ऐसा बहुत भयानक चित्र सामने आते जाता है और हम दहशत के नीचे आते हैं। मेरे पास में तो ऐसे 4-5 मरीज आ गए कि जिनको बहुत दहशत बैठ गई और उनका खाना पीना भी कम हो गया कि भाई हमको कोरोना हो जाएगा करके, मतलब कोरोना फोबिया जैसा हो गया। तो हमको ये देखना है कि हमारे बोलने में हम कितनी भयानकता उसकी कम कर सकते हैं और कम करके बातचीत कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत भयानक हो रहा है, अभी इतने मरीज आ गए, उतने मरीज ज़्यादा हो गए, देखो इटली में ऐसा हो गया, चीन में ऐसा हो गया, देखो क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, बहुत भयानक बीमारी है, ऐसा लोग ऐसे बहुत भयभीत हो चुके हैं। तो ऐसा ना करते हुए कि एक्चुअली क्या हुआ वो देखना जरूरी है। अब जैसा हमारे देश में कल ये समय में, अभी शाम के 8 बजे हैं, अभी इस समय में 190 लोग थे जिनको कोरोना हुआ था और डायग्नोज हो गए थे, और अभी जो फिगर हमारे पास में आया वो करीब करीब 300 का है, मतलब 1.5 गुना एक दिन में बढ़ गया है, 1.5 गुना। अभी ये आगे चल के बहुत ज़्यादा हो सकता है, मगर अभी उसकी चिंता करना और उसके बारे में बहुत ज़्यादा बोलना तो वो बहुत भय पैदा कर देता है। तो हमारी बातचीत में ठीक है, जो भी है उसका सामना करेंगे, ये जो है वो है, इसका सामना करने के लिए हमको सोशल डिस्टेंसिंग, हमारा दिमाग शांत रखना, हमारे विचार शांत रखना, हमारा मूड, हमारी भावनाएं शांत रखना, और एक दूसरे से बातचीत करने के समय उसका बहुत ज़्यादा प्रकोप हो रहा है, ऐसी बातचीत न करते हुए जो भी हो रहा है उसका ही, मतलब उसके बारे में बात करना, उसका बहुत ज़्यादा भयानक चित्र निर्माण नहीं करना, इस तरह का रहना जरूरी है। हमको ये सोचना है कि अभी परिस्थिति के ऊपर हम तो डेफिनेटली मात करने वाले हैं, ये तो क्या ऐसे काफ़ी सारी बीमारियाँ अभी तक हिस्ट्री में आई हुई है और गई हुई है, किनारे पे लहरें समुद्र की आती है और वापस चले जाती है, वैसा ये भी निकल जाएगा। अभी हमको ये देखना है कि यहाँ से हम टफ कैसे बाहर निकलेंगे, टफ होकर, और हमारे देश को हम आगे कैसे लेके जाएंगे। तो इसका सामना हम सब मिलके करेंगे, जितनी प्रिकॉशनरी मेजर लेना है वो लेंगे, दिमाग को संतुलित रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है और हम सब लोग करेंगे। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।